रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। कानपुर से लखनऊ आ रही 2 लड़कियां रास्ते में ही लापता हो गई हैं। इस खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। ये दोनों लड़कियां यूपी रोडवेज की बस में कानपुर से सवार हुई थी और लखनऊ आ रही थी। आखिरी बार इनकी लोकेशन उन्नाव के अजगैन में मिली है। इसके बाद से उन लड़कियों का कोई खुलासा नहीं हुआ है। उनका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इन लड़कियों ने बस के अंदर का एक वीडियो भी परिवार को बनाकर भेजा था, जिसमें बस खाली थी और कंडक्टर दिखाई दे रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लड़कियां गई तो आखिर गई कहां? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, रोडवेज बस से कानपुर से लखनऊ जा रही थी दोनों लड़कियां, गायब हो गई रास्ते में, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए मयूरी, ताजा अपडेट आपको बता दूं कि आज उनके परिजन जो है थाने पहुंचे थे, कृष्णानगर थाने, और उनके साथ सैकड़ों की तादाद में जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं और तमाम जो इलाके के लोग हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और उन्होंने जो है थाने का घेराव करके वहीं पे धरना दे दिया और बाकायदा वो लोग पूरी तैयारी से आए थे। उसके बाद से वहाँ पर मौके पर जो है आला अधिकारी पहुँचते हैं, ADCP पहुँचते हैं, ACP पहुँचते हैं, और हमने ADCP राजेश श्रीवास्तव उनसे भी बात करी। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो लड़कियाँ हैं उन्हें बहुत जल्द बरामद किया जाएगा। हालांकि फिलहाल जो लोकेशन की बात कह रही है इसमें पुलिस का संशय अभी भी बना हुआ है, क्योंकि कुछ जगह ये खबर अच्छी भी चल रही है कि जो लड़कियों को नेक्सा आलमबाग के नेक्सा शोरूम में उतरते देखा गया था, लेकिन फिलहाल इस चीज़ की CCTV फुटेज किसी के पास नहीं मौजूद है। तो पुलिस इस बात में अड़ी नहीं है। पुलिस का साफ साफ ये तौर पर कहना है कि शाम के 4 से 5 बजे के बीच लड़कियों को बरामद करके सकुशल जो परिवार वाले हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद से जो उनके पिता हैं प्रीतपाल सिंह, उनसे भी हमने बात करी, प्राइम टीवी में उनसे भी बात करी। उनका भी रो रो के बुरा हाल था। उनके परिजन जो काफ़ी दुखी थे, क्योंकि उनका साफ साफ कहना था कि जो उनकी लड़कियां हैं काफ़ी एकदम मान के चलिए कहीं वो जाती नहीं थी, और जाती भी थी तो हर चीज़ का अपडेट करती थी। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने उन्होंने अपने पिताजी को व्हाट्सएप वीडियो भी भेजा है बस के अंदर का, तमाम चीज़ें भेजी हैं ताकि उनके पिताजी को थोड़ा सा दिलासा हो पाए कि वो लड़कियां वहाँ से कानपुर से चल चुकी हैं। कानपुर में ये जो प्रीतपाल सिंह हैं इनकी मुँह बोली बहन रहती थी और गुरु नानक जी का भी जन्मदिन भी था, तो उस वजह से ये लोग गुरु नानक जी के पाठ में गई थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो कानपुर से तो चली, हालांकि लखनऊ भी पहुंची थी, लेकिन लखनऊ पहुंचने में इस बात का पूरी तरह से संशय बना हुआ है कि लखनऊ में अगर पहुंची तो कहां पहुंची। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है मयूरी कि अगर लड़कियां गायब हुई हैं तो कैसे हुई हैं और किसके साथ गई हैं। अब ये तो पुलिस बहुत जल्द खुलासा करने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस कई थानों की फोर्स इनकी लोकेशन के लिए हर जगह दबिश भी दे रही है। 5 टीम सुबह से ही लगा दी गई है। और हालांकि आपको बता दूं कि नाबालिग होने के नाते जो पुलिस की जो प्रक्रिया होती है वो 24 घंटे के बाद की प्रक्रिया होती है जो गुमशुदगी वाली, तो कुल मिला के पुलिस 24 घंटे के अंदर ही काम कर रही है। और कल शाम की घटना से अब तक पुलिस को काफ़ी अपडेशन भी मिल चुके हैं, लोकेशन भी मिल चुकी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब लड़कियां इन्हें बरामद की जाती है। और साफ साफ उनके परिजनों का ये कहना था, प्रीतपाल सिंह थे, तमाम लोग थे, उनका ये कहना था कि अगर उनकी लड़कियां जो है शाम तक 6 बजे तक या 7 बजे तक बरामद नहीं होती तो वो फिर से धरना देंगे और सैकड़ों की तादाद में भारी संख्या में फिर से धरना देंगे। और उन्होंने CM योगी से भी गुहार लगाई है, प्रदेश के पुलिस मुखिया से भी गुहार लगाई है, स्थानीय पुलिस से और स्थानीय थाने से भी गुहार लगाई कि उनकी बेटियों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए और उन्हें सकुशल बरामद किया जाए। जी सागर, इस पूरे मामले पर परिवार अपहरण की बात कह रहा था, आपने परिवार से बात की है और क्या कुछ कहना है परिवार वालों का? देखिए मयूरी, साफ तौर पर बता दूं कि एक एप्लीकेशन दी गई थी, तहरीर दी गई थी प्रीतपाल सिंह की तरफ से, तो उसमें किसी भी धाराओं में अभी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, क्योंकि गुमशुदगी का मामला है और गुमशुदगी के मामले में अपहरण और गुमशुदगी में काफ़ी फ़र्क होता है। क्योंकि किसी भी तरह का अभी हमने बात करी उनके परिजन से, उनके पिताजी से, तो हमने ये भी पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है, तो उन्होंने कहा शक की कोई बात नहीं, उन्हें किसी पर भी शक नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात और भी सामने आई कि पुलिस जो है एक लड़के को उठा के लेके आई है, एक
लड़के को उन्होंने अपने हिरासत में लिया है और कुल मिला के ये बताया जा रहा है कि जो लड़का है वो लड़कियों का दोस्त था, कभी कभी उनकी बातें हो जाती थी और CDR के मुताबिक कॉल डिटेल के रिकॉर्ड निकालने के बाद उस लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। अब देखने वाली बात ये कि पुलिस इस बड़ी घटना का, लखनऊ की सबसे बड़ी घटना मानी जा रही है, क्योंकि जो दो बालिग लड़कियाँ गायब हो जाती हैं, और गायब हुई तो कैसे हुई, क्या वो अपनी मर्जी से गई या फिर उनका अपहरण हुआ है या फिर किसी वो संकट में है, और ये देखने वाली बात ये होगी पुलिस इस घटना का खुलासा कब तक कर पाती है। जी जी, धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू का कहर दिखाई दे रहा है। डेंगू को लेकर यूपी सरकार पहले ही अलर्ट हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार डेंगू को लेकर समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। डेंगू को लेकर सरकार लगातार सतर्कता बरत रही है। राजधानी लखनऊ में अकेले पिछले 4 दिनों के भीतर डेंगू के 160 मामले सामने आए हैं। डिप्टी सीएम बृजेश पाठक से लेकर नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने भी नगर निगम को लगातार डेंगू को लेकर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में आज 42 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब संक्रमितों की संख्या 1100 के पार हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, डेंगू को लेकर प्रशासन लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, जहां डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने हाई कोर्ट भी सख्त नजर आ रहा है, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं डेंगू को लेकर? जो नगर निगम किसी भी तरह का प्रभावित कार्य नहीं कर रहा, इसके लिए उन्हें हड़ताल लगाई गई है। उसके बाद उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अस्पतालों का दौरा किया है और वहाँ पर डेंगू मच्छर जो जनित हो रहे हैं, पैदा कैसे रहे, उनके लिए उनको मानने की आज सुबह 10 बजे पर उनके लिए किट भेजी गई है कि किसी तरीके से डेंगू जो मच्छर पैदा हो रहे हैं उनको मार दिया जाए, किसी तरह से परपने ही ना दिया जाए, इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि पिछले अभी कुछ दिन का अगर ग्राफ उठा के देखा जाए तो 1100 मामले अभी तक लखनऊ राजधानी में देखे हुए हो चुके हैं। इसके बाद चिकनगुनिया आलम चल रहा है, जिस तरीके से घर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, उस तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से फैलिया नजर आ रहा है। कहीं भी किसी तरीके से नहीं लग रहा कैसे इस चीज को रोकथाम किया जाएगा। हालांकि सरकारें कह रही है, हाईकोर्ट भी हस्तक्षेप कर रहा है, उसके बावजूद भी जो समस्या 10 तक बनी हुई है। रितेश, नगर निगम को सख्त निर्देश दिया गया है कि जो जहां गंदगी है उसकी सफाई करवाई जाए, फॉगिंग करवाई जाए, ये कार्य कितनी तेजी से किया जा रहा है? कहा जरूर जा रहा है कि जगह जगह साफ सफाई कराई जाए, फॉगिंग कराई जाए, एंटी कार्बा का छिड़काव कराया जाए, लेकिन अभी अधिकारियों के कार्य क्यों नहीं देख रहा है, क्योंकि अभी सबक नहीं ले पाए। 1100 लोग ग्रसित है केवल डेंगू से। अगर केवल डेंगू की बात करें तो 1100 लोग लखनऊ राजधानी में डेंगू से जो ग्रसित हुए, उसके बाद अगर घर घर सर्वे किया जाए तो घर घर में कहीं ना कहीं बूढ़े बच्चे बीमार आपको बुखार से पूरी नजर आएंगे, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इस पर कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं, नगर निगम भी अपनी जिम्मेदारियों को पल्ला झाड़ लेता है। आपको अगर लखनऊ में देखना है तो लखनऊ स्मार्ट सिटी निकल सिटी बन चुका है। जगह जगह पूरे कंबार आपको देखने को मिल जाएगा, जगह जगह कूड़े का ढेर देखने को आपको मिल जाएगा। रास्ते में रोड पर नाली खड़े हर तरह से सीवेज चौक है, कहीं सीवर का काम फंसा हुआ है, कहीं गंदी नाली बह रही, इस तरीके से लखनऊ में गंदगी भी बहुत है। इसको साफ सुथरा करने के लिए लखनऊ के नगर आयुक्त रंजीत सिंह भी लगातार लगे हुए हैं, मेयर भी लगी हुए हैं, लेकिन कोई भी कामयाबी इनको हासिल नहीं हो रही, क्योंकि इनके माथा जो है, जो निचले कर्मचारी है वो किसी काम को अंजाम देने में अपनी प्राथमिकता दर्ज नहीं कराती। इस वजह से कहीं ना कहीं समस्याओं का खामियाजा आम जनता को, आम जनमानस को भुगतना पड़ रहा है। और वही बात डेंगू की, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि डेंगू जिस तरीके से बढ़ रहा है, अगर देखा जाए किस तरह से ग्राफ पिछले सप्ताह पिछले महीने से 1100 हो गया, तो समय नहीं लगेगा ये 2200 पहुंचने में, 4400 पहुंचने में, लेकिन फिर भी
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार दौरा कर रहे हैं। आज सुबह 10 बजे चौराहे से उन्होंने कई फॉगिंग किट को रवाना किया है, जो गली गली लखनऊ के 110 वार्ड में जा जा करके साफ सफाई का जायजा लेंगे, लार्वा का छिड़काव करेंगे। ये तो देखने वाली बात होगी की किस तरीके से रोकेंगे। हालांकि कार्रवाई तो सभी लोग कर रहे हैं, वो कागजों में है, जमीन स्तर पे अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। रितेश, जिस तरह डेंगू अपना पांव पसार रहा है, लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो अस्पतालों में कैसी व्यवस्था की गई है इसको लेकर? भाई, जाहिर सी बात है, अस्पतालों में जब पेशेंट बढ़ते हैं तो उसकी क्षमता आप देखें, 100 बेड का अस्पताल है, उसमें केवल बुखार होते हैं, डेंगू से पीड़ित मरीज नहीं होते, और भी मरीज होते हैं अस्पतालों में। लेकिन जब अचानक से बीमारी पड़ती है तो उसमें मरीज जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें व्यवस्था में बदल जाता है। तो वही हाल सारे अस्पतालों का है, अगर वहाँ 50 बेड है तो 400 मरीज बुखार से आ रहे हैं, तो एडमिट कहाँ करेंगे, तो उनको दवा दे करके प्रेस्क्रिप्ट करके घर पे भेज दिया जा रहा है। लेकिन अभी ये व्यवस्था सुधारने की बहुत आवश्यकता है, अस्पतालों में बुरी हालात है, कहीं कहीं अस्पतालों में सुविधाएं है भी, कहीं कहीं दवा दे करके उन्हें घर भेज दिया जा रहा है। लेकिन अभी अगर समस्या देखी जाए तो जब बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं यह बहुत ही डरावनी बात है। और इसमें अभी लखनऊ के जो जिलाधिकारी सुरपाल गंगवार है, उन्होंने भी एक आज अपील किया है कि हम लोगों को भी, जो आम जनता है उनको भी अपने आप में खुद को साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, घर में किसी तरह से पानी जमा नहीं होने देना, अपने घर का निरीक्षण स्वयं करना है, तब जाकर के कहीं डेंगू की जान पाया जा सकेगा। हालांकि कई समाज संगठन भी इस चीज में लगे हुए हैं, लेकिन अब डेंगू को हराना है और कैसे हराना है, इसके लिए सबको साथ में आना होगा, अपनी भागीदारी भी निभानी होगी। धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव दिल्ली में निर्वाचन आयोग को उस नोटिस जवाब पर सबूत पेश करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मुस्लिम और यादव वोटरों के नाम बड़ी संख्या में काटे गए। बता दें कि चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव को इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए नोटिस जारी करते हुए 10 नवम्बर तक सबूत देने को कहा था। मिल रही जानकारी के मुताबिक सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रो राम गोपाल यादव दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त में मिलकर उन्हें सबूत देंगे, साथ ही ज्यादा सबूत देने के लिए कुछ और वक्त भी मांग सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, अखिलेश यादव ने जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे उसमें क्या कुछ शामिल था? ये बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग यहाँ पर निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है और काम नहीं कर रहा, और निश्चित रूप से वो समय समय पर ये भी कहते रहे कि ईवीएम जो है उसके तमाम जो जो प्रणाली है चुनाव कराने की, वो भी कहीं ना कहीं खराब प्रणाली है, उस पर भी कई बार वो अखिलेश यादव सख्त जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा तमाम विपक्ष के लोग कहते रहते ईवीएम को लेकर भी, पर यहाँ पर जो इस बार जो बात है, उस बार उन्होंने अलग तरह का आरोप उन्होंने चुनाव आयोग पर लगाया था। वो बताया था कि 20,000 से ज़्यादा जो है वो नाम वोटरों काट दिए गए अलग जिलों में, और निश्चित रूप से जिस तरह से उन्होंने कहा था, उसका चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए अखिलेश यादव से ये भी कहा था कि आप हमें सबूत मुहैया कराए, उसके लेकर 10 नंबर की उनको डेट दी गई थी, आखिर टाइमलाइन को दी गई थी, और इसके तहत काम जानकारी बता दी जा रही है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कुछ डिटेल निकाल ली है, कुछ सबूत उन्होंने जुटाए हैं, और वो सबूत लेकर वो मुख्य चुनाव आयोग से मिलने वाले हैं और सबूत जुटाएंगे, साथ ही साथ कुछ और समय मांगेंगे कि बाकी को सबूत देने के लिए। हालांकि इस आरोप के बाद अखिलेश यादव चर्चा में रहे, उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप आयोग पर सवाल निशान उठा लेते हैं और आप कोई भी बात होती है तो किसी को लेकर चुनाव आयोग को सवाल उठाना, ये बात ठीक नहीं है, और अगर आपने आरोप लगाया तो निश्चित रूप से आरोप को साबित भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि केवल आरोप के आधार ही जरूरी नहीं है, अगर आपका आरोप है तो उसका आधार प्रस्तुत करें, उसके सबूत प्रस्तुत करें, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कड़ी भर्सना करते हुए उनको 10 नवंबर का समय दिया था। सबूत लेकर वहां जा रहे हैं और भी कई सबूत लेने के लिए समय मांगेंगे। फिलहाल ये मामला
जो भी है सामने आने वाला है कि जो 20,000 नाम काटने की बात कही गई है अलग अलग जिलों में मुसलमान वोटरों की, तो कहीं ना कहीं कुछ और भी खुलासा उसमें होगा कि वास्तव में नाम काटे गए हैं या केवल एक छलावा है। और अगर सबूत जो पेश किए जा रहे हैं वो सबूत के आधार क्या रहेगा, और आने वाले समय में रामगोपाल यादव और क्या सबूत पेश करने वाले हैं चुनाव आयोग के सामने, ये भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा। मयूरी जी, गौरव, जो सबूत दिए जा रहे हैं अखिलेश यादव के द्वारा, अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो चुनाव आयोग कैसे काम करेगा, क्या कुछ बदलाव किया जाएगा? देखिए, बदलाव तो यहाँ पर बात की बात होगी, पहले चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, उन सबूतों को देखा, पृष्ठभूमि क्या है, उसका आधार क्या है, कहाँ से काटे गए हैं और क्या वो नाम जो अब वो मतदाता जीवित हैं या वो ऐसा तो नहीं है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तमाम उसमें तथ्य रखे जाएंगे और जाँच भी की जाएगी कि उनके नाम क्यों नहीं चले हैं। होता कई बार मयूरी ऐसा भी है कि अगर कोई जिले में रहता है और अगर वो जिले से बाहर चला काम करने के लिए बाहर चला जाता है तो वोट नहीं दे पाता है, तो अगर जब BLO जहाँ जाते हैं वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए जाते हैं और जब उनको जानकारी होती है कि संबंधित आदमी वहाँ नहीं रह रहा है, परिवार के लोग भी बाहर हैं, तो निश्चित रूप से तब वो कोशिश करता है कि सारे उनको निरस्त कर दिया जाए या उनके जो फॉर्म है उनकी जो मतदाता पर्ची होती है उनको नहीं मिल पाती है। तो कई बार तमाम तरह के बिंदु होते हैं, बिंदुओं में क्या साबित होता है आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है चीज़ें क्या होंगी, क्या आधार रहेगा। फिलहाल जाँच जरूर होगी और जाँच के बाद चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाएगा। धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को मिली 3 साल की सजा के खिलाफ उनकी अपील पर रामपुर सेशन कोर्ट सुनवाई हो चुकी है, बस फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 15 नवंबर को तय इस सुनवाई को 10 नवंबर को करने और उसी दिन फैसला सुनाने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 11 नवंबर या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक अधिसूचना जारी करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि आजम खान को रामपुर कोर्ट से दोषी करार दिए जाने के बाद राज्य विधानसभा की ओर से उन्हें आयोग घोषित किया गया था। इसके साथ ही रामपुर सदर विधानसभा सीट खाली हो गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, आजम खान की अपील के बाद आज सुनवाई हो चुकी है, क्या लगता है क्या फैसला आएगा? अपील हो गई है, फैसला फिलहाल सेशन कोर्ट में है, वो फैसला क्या देता है। फिलहाल हेड स्पीच का मामला था, उसको लेकर आजम खान को सजा हुई थी और एक प्रक्रिया के तहत यहाँ पर उनकी सरसरा रद्द की गई और सीट आयोग सीट जो है खाली रिक्त घोषित की गई थी। पर यहाँ पर चूंकि अपीली अधिकारी व्यवस्था हमारे देश में लागू है, संवैधानिक व्यवस्था लागू है, न्यायतंत्र में एक व्यवस्था लागू है कि अगर कोई भी बात होती है उसके लिए उसके खिलाफ आप अपील दाखिल कर सकते हैं और निश्चित रूप से उन्होंने अपील दाखिल की थी। फैसला आने वाला है, फैसला क्या आता है वो एक बड़ा प्रश्न रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर हो सकता है कि जो रामपुर विधानसभा को रिक्त करने की बात कही जा रही है, चुनाव आयोग उसको अपना फैसला बदलेगा, हो सकता है वहाँ पर चुनाव ना हो या उनकी सदस्यता रद्द की गई है, पुराना बहाल की जाए। फिलहाल अभी फैसला नहीं आया, फैसले पर चर्चा हो रही है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। पर एक बात तो स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले ने तूल पकड़ा हुआ था कि क्या अगर अधिसूचना जारी हुई है या सदस्यता रद्द हुई है क्या उसको दोबारा बहाल किया जा सकता है, तमाम प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा अगर बात ऐसी होती है मयूरी, तो कहीं ना कहीं यहाँ व्यवस्था ये देखने वाली और होगी। अभी हाल में ही हमने देखा विक्रम सैनी जो कि मुजफ्फरनगर की खतौली से विधायक थे, उनकी सदस्यता रद्द की गई थी 11 अक्टूबर 2022 को, सजा उनको हुई थी 2 साल की, तो यहाँ पर उनकी सीट पर भी चुनाव होने वाले खतौली पर, कहीं ना कहीं अब शायद ये पक्ष वहाँ भी देखा जाएगा, क्योंकि हेड स्पीच के मामले में आजम खान सजा हुई है और वही कुछ मामला कवाल कांड से जुड़ा विक्रम सैनी का भी है, 2013 के अगस्त कवाल कांड की बात है, तो उन पर भी अभी 11 अक्टूबर 2022 को उनको सजा का ऐलान हुआ था। तो कहीं ना कहीं अगर आजम खान को यहाँ राहत मिलती है, कहीं ना कहीं विक्रम सैनी को भी यहाँ राहत मिलने की उम्मीद हो सकती है और शायद ये बेहतर पहल भी होगी। खैर, सजा का प्रावधान है या दो तमाम चीज़ें हैं, हमारे देश में IPC आप हम लोग चलते हैं और न्याय सबसे ऊपर है, अगर सजा मिलती है उसकी प्रक्रिया क्या है, सजा का एक अलग माध्यम है। पर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो विधानसभा में सदस्यता रद्द होने के बाद उसको दोबारा बहाल किया जाता है कि नहीं किया जाता है, चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, अधिसूचना जारी करता है कि नहीं करता है, सीट रिक्त कर दी गई है उस पर चुनाव कब होंगे, अगर चुनाव नहीं होंगे तो चुनाव आयोग क्या फैसला लेता है, फिलहाल एक बड़ा प्रश्न है और जल्दी इस फैसले पर भी एक सामने आ जाएगा कि क्या होने वाला है खतौली और रामपुर को लेकर। गौरव, अगर फैसला आजम खान के हक में आता है तो क्या आजम खान की विधायकी बच सकती है या जो अभी उपचुनाव हो रहा है उसमें वो चुनाव लड़ सकते हैं?
जी बिल्कुल, अगर फैसला उनके पक्ष में आता, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आदेश भी दिया है और उन्होंने ये भी कहा है, चुनाव आयोग को निर्देशित भी किया है कि आप अधिसूचना 11 नवंबर के तक दाखिल यानी जारी करें, तो कहीं ना कहीं उम्मीद शायद आजम खां को भी होगी कि शायद उनकी सदस्यता यहाँ बच जाए। और पर हालांकि ऐसा प्रकरण हो रहा है, उसमें क्या होता है विधानसभा में, लीगल व्यू क्या होता है, क्योंकि विधानसभा सचिवालय का भी एक लीगल व्यू डिपार्टमेंट है, वहाँ क्या होता है, क्या फैसला लिया जाता है, वो फिलहाल एक बड़ा प्रश्न है मयूरी। पर फैसला आने के बाद क्या प्रक्रिया रहेगी, किस प्रक्रिया के तहत उनको शायद बहाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, चुनाव होगा कि नहीं होगा, ये यक्ष प्रश्न है और जल्दी इसका समाधान भी मिल जाएगा कुछ ही समय के बाद। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की चार बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात